हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, इसको जो फॉर्मूला है जिनके नेम्स गिवन है आईओबीएससी नेम्स, हमें इन्हें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज फॉर, फर्स्ट है आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह हुआ, CH3COH CH। ठीक है, जब भी आप इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखेंगे, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, टर्मिनल बॉन्ड, जब भी कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है, CH3 होता है और फिर एक CH3 साइड होगा, ये आपको क्या हो जाएगा CH3। आप इस तरह से देखें, CH3 CH और CH3 और इसी CH पर क्या है, OH लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे तो हम टर्मिनल पॉइंट पे CH3 रिप्रेजेंट नहीं करते, वो पहले से ही नोटेड डाउन होता है कि यहाँ पर क्या हो, कुछ नहीं है तो CH3 होगा। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पर। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड वाले कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखते हैं। हमें इतना पता होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, एक वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, एक इस CH3 से और एक दूसरा एक CH3 से। ठीक, अभी 3 हो चुका है, मतलब अभी चौथा कहीं ना कहीं है, और चौथा अगर कोई ग्रुप नहीं दिया है तो हमेशा आप ये अज्यूम करें कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी है। तो जब भी आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे अब इस बात को ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया तो हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल ब्यूटेनल मतलब एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, तो वाई देखते हैं CH3। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ना ब्यूटेनल ग्रुप बना ले, CH2 CH2 CO H, हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या किया, लगा दिया ब्यूटेनल। ये आपको क्या है, ब्यूटेनल, हमने अभी इसको ड्रॉ नहीं किया। अब देखिए, जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब कह रहे हैं कि 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब एक वैलेंसी इसकी जो है वो मिथाइल कंप्लीट कर रहा है, तो ये CH2 ना होकर यहाँ पर क्या होगा, CH3 एक लगा रहे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, CH3। ठीक, तो आप नेमिंग में देख लीजिए, 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब हमें 4 कार्बन बनाने हैं, 4 कार्बन बनाने हैं, तो आप 4 कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल बना लें, 1 2 3 4, 4 कार्बन होगा। टर्मिनल पोजीशन पर क्या है, CH3 है, तो आप CH3 हो गए, कुछ नहीं लिखा तो CH3 हो गए। फिर थर्ड नंबर वाले कार्बन पर क्या है, CH है और एक CH3 लगा, CH3 जो लगा है हम इसको भी एक बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, CH3 हो गया। ये आपकी क्या है, फोर्थ वाली कार्बन है, ये थर्ड वाली कार्बन है, और ये सेकेंड और ये फर्स्ट। ठीक, अब CH सेकेंड वाले कार्बन पर भी एक CH3 ग्रुप है, तो आप यहाँ पर भी एक CH3 लगा दें, इस तरह से कुछ नहीं गिवन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, CH3 है। ठीक, वन वाले कार्बन पर क्या है, ये जो वन वाली कार्बन है इस पर एक हाइड्रो, ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो आप इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप शो करें। ठीक, ये आपका होगा क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बताइए इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप अपने से जरूर ट्राई करें, ट्राई करने के बाद इस सॉल्यूशन को देखें। हम स्टार्ट करते हैं, हेप्टेन है, 4-1-1 का मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, और हेप्टेन मतलब 7 कार्बन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, CH3 CH2 CH2
सेवन कार्बन हो गए और फोर्थ नंबर पे आपका कीटोनिक ग्रुप आ गया। तो आप सातों कार्बन को फर्स्ट ऑफ ऑल बना लें, ठीक। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लीजिए, एक ये कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सातों कार्बन होगा। ये आपका सी एस थ्री होगा, ये सी एस टू, ये सी एस टू। अब इसके बाद CO होना चाहिए, CO होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री, ये आपका क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो ये था आसान सा क्वेश्चन, बेसिकली कन्वर्जन है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें ये वाले जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत आसान होती है और कई क्वेश्चंस को इमिडिएटली सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप इतने कंपाउंड्स जो लिखते हैं हर एक की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप नॉर्मली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से इसको इजीली कर सकते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल दैट थैंक यू सो मच।